हां जी, तो मित्रों स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। वंस अगेन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वंस अपॉन अ टाइम इन ला ला लैंड सुनो सुनो हम थे दिसमल खान। आज वाल्मीकि जयंती है, सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और शाम के 4 बज रहे हैं इस वक्त। पिताजी ने कहा है कि हम लोग सिग्नेचर पे चल रहे हैं क्योंकि अभी नवरात्र गए हैं, तो नवरात्र में जो पूजा का सामान इस्तेमाल होता है जैसे कि रेता हो गया, फूलमाला हो गए या हवन सामग्री हो गई, ये सब चीज़ें हम यमुना जी में विसर्जित करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आज का दिन बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि पापा की छुट्टी भी है, तो इसलिए अभी चलते हैं, फटाफट रेडी शेडी होते हैं और निकलते हैं सिग्नेचर ब्रिज के लिए। लेट्स गो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलेगा तू भी घूमने? चलेगा। बदतमीज इंसान, छोड़ दे इसे। कुत्ते कुत्ते। I'm going to drive। आसमान बड़ा प्यारा हो रहा है। जाओ, जो नवरात्र में पूजा का सामान था हम उसको खिलाने जा रहे हैं। ये जमीन गा रही है, आसमान गा रहा है। गाइस, दिस इज मजनू का टीला। पूरा एरिया जो है मजनू का टीला है। हिमालयन जावा कैफे कॉफी। ये शेर भैया, हमें यूटर्न का रास्ता नहीं पता, हम सीधे जाते हैं, हम यूटर्न कभी नहीं मारते, ना यूटर्न ना शॉर्टकट। तो यूटर्न तो पापा को ही पता है कहाँ से जाना है, बट वी डोंट नो वेयर इज यूटर्न। करदा कमाल नी बिल्लियां बलोरी अखां कर दी सवार, तुरे माटक माटक नी तू फिरनी दी चाल नी, गलां दी लाली ने ते कीते बुरे हाल। गाइस, हम लोग रुके नारियल पानी पीने, स्कूटी वापस पापा ने मेरे हवाले कर दी। पापा कह रहे हैं 20 रुपए का चाहिए, वहाँ तो 10 रुपए का मिलता है, हम घर में उगा लेंगे पेड़, इतना महंगा दे रहे हो तो घर में उगाएंगे। हम नहीं पी रहे बाहर का, हम घर में उगाएंगे दोस्तों। ओके डन, आप भी घर में नारियल का पेड़ उगाओ। ले भाई 20 रुपए का दे दे, जायदाद के कागज लेगा अब। ऐसी बार्गेनिंग चलती है दोस्तों, क्या करें दोस्तों। आधा रास्ता मैं कंप्लीट कर चुकी थी, यहाँ जाम लग रहा था तो इसलिए पापा ने अब कमान अपने हाथ में संभाल लिया, क्योंकि पापा चल रहे हैं रॉन्ग साइड से। हम लोग कभी रॉन्ग साइड का काम नहीं करेंगे, रॉन्ग काम नो 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 नो। साहब देखो कितना लंबा जाम था, अगर मैं चला रही होती ना तो रात को यहीं पे बैठ के हम लोग खा रहे होते छोले पूरी, हम नहीं पहुंच पाते भैया घर। नॉइज पॉल्यूशन, बीपी तो ऐसे डरते हैं जैसे मैं इस पीछे वाले को ना पेट्रोल छीन लूंगी इसका सारा। भैया इतनी बीपी क्यों करते हैं लोग? पहले के टाइम में, मतलब आज से 3-4 साल पहले, किसी की भी पुण्यतिथि हुआ करती थी, किसी महान व्यक्ति का जन्मदिन आता था उनके मरने के बाद, तो उसको जन्मोत्सव कहा जाता था। तो हनुमान जी की जयंती को लोगों ने प्राकट्य उत्सव कहना शुरू किया कि भाई वो जयंती नहीं है, जन्मोत्सव नहीं है, वो प्राकट्य उत्सव है क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी है। अब हनुमान जी वाला लॉजिक सब लोग एक दूसरे के उसमें चेप रहे हैं। किसी के गुरु जी का बर्थडे आ जाए तो कहते प्राकट्य उत्सव, या किसी नेता का बर्थडे आ जाए कहते प्राकट्य उत्सव। मुझे वो दिन दूर नहीं है जब इंसानों के जन्मदिनों को लोग कहेंगे प्राकट्य उत्सव। ये काम जिसने भी किया बहुत बढ़िया किया, सड़क में पानी गिर दिया ताकि धूल मिट्टी ना उड़े, बहुत बढ़िया काम किया जिसने भी किया, वाह 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 वाह। हमारे यहाँ का गुरुवार बाजार दोस्तों, हमारे यहाँ हफ्ते के 6 बाजार लगते हैं, संडे मंडे को छोड़ के ट्यूसडे
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, गिन लो कितने हो गए। दोस्तों पैसे बचाना अच्छी बात है पर कंजूस होना अच्छी बात नहीं है। जैसे कि मैंने नारियल पानी की कही, पापा ने नहीं पिलाया, और अब मैंने केले की कही तो वो भी नहीं दिलवाए क्योंकि वो 60 रुपए दर्जन थे। तो कंजूस होना अच्छी बात नहीं है। महाकंजूस, मक्की जूस, कंजूसों के साथ रहोगे तुम्हारी सेहत कभी नहीं बन सकती। पैसे बचाने के चक्कर में सेहत से खिलवाड़ होगा, सेहत से खिलवाड़ होगा। कहाँ रह गया, कहाँ रह गया, घर पे। तो मेरे पे फोन नहीं है क्या? अच्छा, नहीं दो। हाँ बस कह मत दो, कह दिया तो बस बुरी लग गई। देखते हैं, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, देखते हैं। खत्म।